शाम को आपको बताया था कि 1200 लोग हम लोग भेजे हैं ASTC बसेस से, तो कल शाम को हम लोगों ने 117 लोग और भेजे। आज भी कुछ बसेस शेड्यूल्ड हैं, अभी 4 बजे से उनका डिपार्चर होना है, स्टार्ट हो चुका होगा। तो इतना ही है, बाकी इंटर स्टेट जो मूवमेंट का बात है, हम लोग भी गाइडलाइंस का वेट कर रहे हैं। काफी क्वेरीज आ रहा है हमारे पास में कि MSA का तो आ गया है, आप लोग हमको बुला लीजिए, इधर से मैसेज वगैरह काफी आते हैं। हम उनको यही बोल रहे हैं कि आप लोग वेट करिए, गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइन बना के प्रॉपरली आपको लाने का कुछ सुविधा करिए, जल्दी विल गेट बैक टू यू। तो वही है अभी रिलैक्सेशन के बारे में, कुछ रिलैक्सेशन तो हो रहा है धीरे धीरे। नया कोई दुकान खोलने से कोई नया दुकान तो खुल रहा होगा, अभी तक तो हमने बंद तो किया नहीं है, जो जिस सिस्टम से चल रहा है उसी सिस्टम से चल रहा है, कुछ नया ऑर्डर या गाइडलाइन तो दिया नहीं है। बाकी ठीक है सर, क्या वो बस है तो तीन तक के लिए नहीं, वो 2 तक एक्सटेंड किया था, तो कल लास्ट डेट हो जाएगा अगर फर्दर एक्सटेंशन नहीं आता है तो। अब आप देखेंगे कि इसमें गिराव है, पहले कम लोग थे, फिर एकदम से पीक हो गया, अभी फिर कम होते होते, तो मतलब काफी सारे लोग जो रजिस्टर किए हैं अभी उनको फोन करके पूछने पे बोल रहे हैं कि हमको लेने कोई आ गया था। जैसे गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि बस से जाएंगे या प्राइवेट व्हीकल से वन साइड जाएंगे, उसके बाद में लोगों का ग्रीवांस देखते हुए चेंज किया पॉलिसी, उसमें फिर ये कर दिया कि कोई आपको पिक करने के लिए आ सकता है, पिक करके लेके जा सकता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट स्टार्ट कराया, तो उसकी वजह से काफी सारे लोग रजिस्टर कर लिए। और फिर जब बस का शेड्यूल एडवांस में काफी नहीं आया तो वो लोग ऑलरेडी चले गए अपना, अगर जो अफोर्ड कर सकता था टू एंड फ्रो जर्नी तो वो लोग करके निकल लिए। कुछ उस तरह के भी कैंसिलेशन है, बट हम लोग बस निकालने से पहले जैसे ही लिस्ट आता है उसमें फोन नंबर सबके रहते हैं, तो कंट्रोल रूम से रात को एक बार फोन करते हैं, तो हमारे पास स्टेटस एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है कि कल कितना लोग कहाँ से आएगा। सर बाहर का स्टेट में जो स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट है वो कैसे आएगा, बाकी सब उन लोग गाइडलाइन क्या है, कैसे वही तो बताया मैंने, गाइडलाइन है उसका अभी तक कुछ क्लियरिटी नहीं दिया है। एक कमेटी बनाया है जो 24 घंटे में रिपोर्ट देगा, शायद आज में आ जाना चाहिए कुछ क्लियर। रजिस्टर करना होगा उसका, वो जर्नी बनाते हैं, अब ये तो हमको पता नहीं रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ेगा, हमारा उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहेगा। ऑब्वियसली कुछ गाइडलाइंस तो होगा ही कि जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को मॉनिटर करके तरीके से करने का, तो हम भी वेट कर रहे हैं गाइडलाइंस का, क्लैरिफिकेशन मिलते हैं। तो बोंगाईगांव में कल ही 4 केसेस आया, करीमगंज में भी, करीमगंज में बोंगाईगांव का, तो बोंगाईगांव से लास्ट जो 25 तारीख से ये जो आने बोंगाईगांव गए हैं, बोंगाईगांव से यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ है। मैं आपको वही बोला ना कि कछार का जो मोस्टली आदमी है वो गुवाहाटी या हमारा बराक वैली, मैक्सिमम भीमा सब हो जाए, इस तरफ से ज्यादा हमारे पास में लोग अगर आए हैं तो आए हैं, बाकी उस तरफ से उतना, अपर आसाम से भी बहुत कम इनवर्ड्स मूवमेंट हमारे पास हुआ। तो बोंगाईगांव से कोई आया है? ऐसा कुछ नहीं है, ASTC का जो बस प्रोफाइल है वो हम लोग चेक किए हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से। प्राइवेट का तो बोंगाईगांव से हम लोग पूछ रहे हैं, वो लोग भी अपना डेटाबेस चेक करके दे लेते हैं, और उन लोगों का कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वगैरह करके तो वो लोग बताएंगे कि ये आदमी आया था, नाउ ही हैज लेफ्ट टू दिस प्लेस। बट अधिकतर लोग मतलब क्वारंटाइन कैंप के अंदर वाले लोग हैं, तो इसलिए होपफुली इतना कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कोलमगंज में कल जो एक पॉजिटिव पेशेंट मिला है, उसका बाद में सिलचर बकाछाड़ में कोई रिस्ट्रिक्शन बाय स्ट्रिक्ट कोई डिसीजन लिया है? आप तो पहले ही बोल रहे हैं कचार तो खुल नहीं रहा, लूज नहीं हो रहा, डीलर बढ़ा है और डिस्ट्रिक्ट ने बिजनेस खोल दिया, आप लोग नहीं खोल रहे हैं, तो अब और टाइट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है, हम लोग वैसे पहले से बहुत ज्यादा कॉशियस होकर मूव कर रहे थे और अभी भी हम सिमिलर प्रिंसिपल्स पे ही जा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ वो यही है कि इसमें कोई आपको इंटेंशनली बीमार नहीं करेगा, कोई इंटेंशनल बीमार होकर घूम रहा है उसको बेचारे को खुद को ही पता नहीं है, तो बाप अपने बच्चे को दे सकता है, बच्चा अपनी माँ को दे सकता है, तो घर में या कहीं भी दो व्यक्ति आपस में हैं आप मास्क पहन के घूमिए, दिस इज दी ओनली थिंग दैट विल सेव अस, मास्क।
आपकी रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, खांसते हैं तो कवर करके खांसना है, हाथ जो है धोना है, सैनिटाइजर के पीछे मतलब दीवानगी कुछ काम की नहीं है, हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ हैंड वॉशिंग यूज करना है। तो मतलब गूगल यूज करना मोस्टली सबको आता ही है आजकल, तो आप सीख लीजिए कैसे साइंटिफिक हैंड वॉशिंग होता है, वो ही बचाएगा। ये कॉम्प्लिसेंसी की 28 दिन हो गया केस नहीं आया, वो हेल्प नहीं करता, क्योंकि हो सकता है उनसे किसी को हुआ, उस व्यक्ति में कुछ नहीं आया और वो एट द लास्ट डे ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द वायरस फिर किसी को दे दिया, उसको आते आते हो गया। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी 14 डेज किया, फिर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया कि नहीं 28 डेज तक हमको रखना पड़ेगा। तो चीजें इतनी सिंपल नहीं है, तो आपको मतलब साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है अपने हिसाब से थ्योरी निकाल दें कि 14 दिन में हो गया आप फ्री हैं आप मस्ती करो। आपको मतलब कब ऐसा हुआ है कि हर आदमी सिंपल सी चीज के लिए बोल रहा है कि आप मास्क पहनिए हाथ धोइए, बस यही चीजें जो बचा सकती है एज ऑफ नाउ, इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है जब तक वैक्सीन वाला तो बताए। तो सर वही मतलब सर अगर 3 तारीख के बाद होता है जो वायरल हो रहा है वो उसका कंफर्मेशन तो उसका वैलिडेशन हम नहीं करेंगे। अगर वायरल हो रहा है लोग उसको मान रहे हैं तो अपने स्तर पे रिस्क ले रहे हैं। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कि जोनिंग इज ए स्टेटिस्टिकल मेथड ओनली एंड दैट इज टू बी यूज बाय पॉलिसी मेकर्स टू मतलब बैलेंस आउट द इकोनॉमिक रिपरकशंस एंड द हेल्थ मतलब प्रिकॉशंस, दैट इज इट। नॉर्मल जनता को जोनिंग में इतना इंटरेस्ट लेने का एज ऑफ नाउ कोई काम नहीं है। नॉर्मल पब्लिक शुड ओनली बी कंसर्न अबाउट वेयरिंग मास्क एंड वॉशिंग हैंड्स, दैट इज इट। जो भी बाकी रूमर है उस पर आप मत जाइए कि हम ग्रीन जोन में आ गए चलो हम आजाद हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बंदी कभी थे नहीं, आपको बस अपनी आदतें सुधारनी है, मूवमेंट ठीक से करना है, भीड़ में नहीं चलना है, क्योंकि कोई इंटेंशनली बीमार होगा नहीं पर अगर बीमार हो जाएंगे और बहुत सारे हो जाएंगे तो संभालना हमारे लिए मुश्किल होगा। बस इतना ही।